पंजाब चुनाव में ऐसा झाड़ू चला कि बड़े से बड़े दिग्गज साफ हो गए। और अगर पंजाब चुनाव में किसी सीट की सबसे अधिक चर्चा होती थी तो वो अमृतसर ही थी, क्योंकि यहाँ से दो बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरी तरफ थे मजीठिया साहब। लेकिन अगर किसी की चर्चा इस वक्त पूरे देश में सबसे ज़्यादा हो रही है तो वो है जीवन ज्योत जी, जिन्होंने नवजोत को रिप्लेस करके जीवन ज्योत जी अब यहाँ की MLA बन गई हैं। मैम, पूरा देश जानना चाह रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ अमृतसर ईस्ट में कि पूरी लहर चली और सिद्धू साहब मजीठिया साहब एक साथ साफ हो गए, एक मामले से वॉलंटियर ने उन्हें हरा दिया। देखिए, ऐसे है कि लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लीडर नहीं बड़े होते हैं। सो लोग चाहें तो अर्श पे चढ़ा देते हैं, लोग चाहें तो फर्श पे आ जाते हैं। सो इसमें ये जो जीत हुई है इस बार, ये लोगों की जीत है, ये आम आदमी की जीत है। और ये जो चुनाव था इस बार का पंजाब का, ये बदलाव का चुनाव था। और कहीं ना कहीं लोग रिवायती पार्टियों से इतने दुखी परेशान हो चुके थे और वो अपना मन बना चुके थे कि हमने वोट आम आदमी पार्टी को डालना है। सो उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल के ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस को पंजाब में वेलकम किया है, अरविंद जी और भगवंत मान साहब की जोड़ी को गले लगाया है। और जब भी हम डोर टू डोर जाते थे, लोगों को मिलते थे, तो लोग एक ही बात बोलते थे कि मैम आप तो अब आई हैं, हम तो पहले ही अपना मन बना चुके हैं कि हम वोट आम आदमी पार्टी को डालेंगे। अभी तक पहचान आपकी थी पैड वुमेन ऑफ पंजाब, अब क्या नई पहचान आप बनाने वाली हैं, खासकर अगर हम अमृतसर की बात करें तो? देखिए, पहचान तो बनाने वाले लोग हैं, लोगों ने बना दी है। और जैसा मैंने बोला कि ये लोगों की जीत है, और धन्यवाद करने चाहते हैं उन सब लोगों का, वोटर्स का, सपोर्टर्स का, जिन्होंने हमें एक मौका दिया है। और रही बात कि हम क्या चाहते हैं, तो हम सिर्फ एक अच्छा MLA बनना चाहते हैं। पहचान तो आपने बना ली है, एक तरफ सिद्धू दूसरी तरफ मजीठिया को हरा कर, लेकिन जब टिकट मिला तो दोनों तरफ से ये कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी कहाँ टिकेगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े पुराने महारथी हैं। और कितना, क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि इतने बड़े महारथियों के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं कभी कॉन्फिडेंस लूज किया या ऐसा कुछ लगा कि गलत हो गया, फंस गई? ऐसे है, एक बार भी नहीं लगा, 1% भी नहीं लगा, क्योंकि ये सिर्फ आप लोग फील करवाते थे। जब हम मीडिया के सामने होते थे तब आप लोग ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था, इतने बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, तो जब हम लोगों में जाते थे लोग कहते थे मैम हमको तो वो दिखते नहीं, हमको तो झाड़ू दिखता है। सो ये एक बहुत बड़ा गैप है, हमको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि लीडर जो बड़ा होता है वो अपने काम के साथ बड़ा होता है। तो ये जिनको आप बड़ा बड़ा लीडर बोलते हैं, दिग्गज लीडर बोलते हैं, इन्होंने लोगों के छोटे छोटे काम भी नहीं किए हुए थे। सो 1% भी कभी मन में नहीं आया कि कहाँ फंस गए, कैसा चैलेंज है। और इनफैक्ट मेरे से ये सवाल सबसे पहले यही सवाल किया जाता था, तो मैं सबको बोल रही थी कि आपको मेरा चेहरा देख के लग रहा है कि कहीं से हम परेशान हैं, क्योंकि जैसा एंथुजियाज्म आपको अभी दिख रहा है, हम सब टीम का, सब लोगों का एंथुजियाज्म पहले भी ऐसे ही था। अगर अमृतसर इसकी बात करें, हल्के की बात कर लेते हैं, आपके इलाके की बात कर लेते, तो कई जगह हमने देखा कि नाराज़गी थी नवजोत सिंह सिद्धू से, क्योंकि वो इलाके में नहीं आते थे, सड़कों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है, साफ़ सफाई की बहुत शिकायतें रही हैं। तो क्या लगता है कि अब प्रायोरिटी में किन किन चीज़ों को आप रखें, क्योंकि कुछ दिन बाद अब आपके हाथ में सरकार पूरी तरह से आप कामकाज देखना शुरू कर देंगे, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी? देखो, ये विधानसभा सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड विधानसभा है आज की डेट में, और यहाँ तक कि बेसिक अमेनिटीज़ भी लोगों में नहीं है। सो हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि साफ़ सफाई की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए ना तो कोई नीति चाहिए, ना कोई प्लान चाहिए, सिंपल सी बात है, आपकी नियत चाहिए काम करने की। सो जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं वो तो बिल्कुल तुरंत शुरू कर देंगे हम अवेलेबल करवानी, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं, उसमें कुछ हिचेज़ होते हैं, उसको भी हम इनिशिएट कर देंगे। लेकिन कुल मिला के ये है कि जैसे जैसे वादे हमने लोगों को किए थे, वो वादे जो हैं वो सारे पहल के आधार पर पूरे किए जाएंगे। ठीक, एक चर्चा ये भी चल रही है, क्योंकि जीत इतनी बड़ी हुई है तो अब बड़ी जिम्मेदारियाँ भी मिलने शुरू हो जाएंगी, कैबिनेट में अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है आपको तो क्या लगता है कि उसी आसानी से, जिस तरह आपने अभी चुनाव लड़ा, उसी आसानी से कैबिनेट की भी जिम्मेदारी निभा पाएंगे? देखिए, ऐसे है कि पार्टी ने जैसे जैसे जहाँ जहाँ आज तक मेरे को जिम्मेवारी दी है वो मैंने तय दिल से निभाई है, बूथ से लेकर ऑल पंजाब, और ये अब इतनी बड़ी जिम्मेवारी अरविंद जी ने दी उसको भी निभाया है। सो आने वाले टाइम में भी ये फैसला पार्टी का रहेगा, जैसे जैसे पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी, जहाँ लगाएगी
वहाँ वैसे ही तनदेही से निभाएंगे। लेकिन मेरा फिर बार बार एक ही कहना है कि हर तरह की आगे की जिम्मेवारी लेने से एक अच्छा MLA पहले बनना बहुत ज़रूरी होता है। अरविंद केजरीवाल बहुत कॉन्फिडेंस थे आपको लेकर, बार बार यही कहते थे कि एक लड़की, एक साधारण सी लड़की, इन दोनों को हराएगी। जीत के बाद बातचीत हुई और क्या बातचीत हुई? अरविंद जी आप ठीक कह रहे हैं, ये भी सब बोल रहे हैं मुझे, और अरविंद जी ने बहुत बूस्ट किया क्योंकि एक ट्रस्ट था अरविंद जी को भी, और उससे ज़्यादा जो ट्रस्ट था वो हमको लोगों पे था क्योंकि हम लोगों में थे और लोग जो हमारे पे इतना भरोसा जता रहे थे और इतनी जो उम्मीदें थी हमारे से। सो सारी टीम का बिल्कुल फ़ोन भी आता है, बात भी होती है, थैंक्स के लिए भी आता है और बूस्ट करने के लिए भी। लीडर्स का हमारा हर टाइम ही सर पे हाथ रहा है। सिसोदिया जी तो इनफैक्ट लास्ट 2 मंथ्स रहे ही हमारे ऊपर थे, बहुत अच्छा गाइड करते रहे हैं। अभी संजय सिंह का भी फ़ोन आया था। हाँ जी, अभी संजय जी का भी फ़ोन आया था जी, बधाई के लिए फ़ोन आया था। कल अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ आ रहे हैं और एक बड़ा रोड शो होने वाला है, क्या तैयारियाँ हैं उसको लेकर? चल रही हैं, बहुत उत्साह है लोगों में क्योंकि जीत के बाद, और जैसे मैंने बोला कि ये लोगों की जीत है और लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है। आप थोड़ी देर पहले आते तो आप देखते यहाँ बहुत सारे लोग थे और इतने खुश थे क्योंकि सबको एक बदलाव की उम्मीद है। और हम बार बार लोगों को ये भी बता रहे हैं, आपके माध्यम से भी हम लोगों को ये कहना चाहेंगे कि वो बदलाव जो हमने वादा किया था, जिसके लिए हम आपसे एक मौका मांग रहे थे, वो उनको सबको ज़रूर मिलेगा। और जैसे सुबह हम देख रहे थे कि सब इतने खुश हैं, तो हम यही बोल रहे थे कि आपके चेहरों पे यही मुस्कुराहट जो है वो हमेशा बनी रहेगी। तो ये थी जीवन ज्योत, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बड़ी जिम्मेदारी दी है यहाँ की जनता ने और उस पर खरे उतरने की पूरी कोशिश की जाएगी। अमृतसर से कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अमित पांडे, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।